गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज आपको पेज नंबर 44 उसमें लेग्स और एंकल्स की ड्राइंग बनानी है। पिछले बार आपने हैंड्स की बनाई थी, इस तरह से सारे हैंड्स मैंने बताए थे किस तरह से इसके मूवमेंट और ऐसे जो भी ये बताया गया उस तरह से आपको करना है। इस तरह से लेग का भी करना है, लेग्स जैसे पूरा इतना पूरा लेग कर सकते बनाना है, ये नीचे का पार्ट खाली बनाना है। इस तरह से जब आप थोड़ा सा पाँव ऊंचा करते हैं तो इस तरह से ड्राइंग बनानी है। तो ये मैंने यहाँ पे बना के रखी है। इस तरह से आपको थोड़ी शेडिंग आउटलाइनिंग करनी पूरी। इसकी आउटलाइनिंग होने के बाद फिर आप इसमें शेडिंग्स करेंगे, थोड़ी सी शेडिंग्स आप इसमें कलरिंग भी थोड़ी कर सकते हैं जब आप इच्छा हो। जैसे आप शेडिंग करते करते बोर हो गए तो आप थोड़ी सी कलरिंग भी कर सकते हैं, ब्राउन का शेड, स्किन कलर का, जो ब्राउन स्किन कलर मिक्स करके जैसे शेडिंग करते हैं वो कर सकते हैं। इस तरह से आपको शेडिंग करनी है। जैसे ये वाला रेड बनाया है नीचे वाला, ये जैसे इसकी आउटलाइनिंग यहाँ दी हुई है, ये सेम एज इज आप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से। ऐसे ड्रॉ करके लेंस इस तरह से ये शेडिंग भी दे देंगे साथ साथ में। ये पाँव के थोड़ी सी नाम से थोड़ा सा दबाव रहता है इस तरह से, ये करा फिर ये यहाँ पे इसे फिर इसमें शेडिंग्स करेंगे। इसमें मैंने बताया था कैसे किस तरह से आपको पूरी शेडिंग करनी है। ऐसे शेडिंग्स करके लाइट एंड डार्क कर लेंगे, फिर उसके बाद में थोड़ा सा मर्ज कर देंगे इस तरह से। ये बनाया है, फिर मैंने ये वाला बनाया है, ये भी आप वैसे लेग बना सकते हैं। एड़ी उठा करके अपने खड़े होते हैं ना अंगूठे के बल पे, वैसे आपको इसको ड्रॉ करना है और इसकी आउटलाइनिंग करनी है पहले तो, फिर इसके बाद इसको आप ड्रॉ करेंगे, शेडिंग्स को देंगे। इसका पीछे वाला पार्ट है इस तरह से, थोड़ी शेडिंग करेंगे जैसे आउटलाइनिंग करके। ऐसे ही आपको पूरे पिक्चर्स घर वाले बनाने हैं और ये बनाने की प्रैक्टिस करनी है सारी। आपको पूरे लेग्स बनाने हैं और इसके एंगल्स एंकल्स बनाने हैं। ये पेज यहाँ पे ये भी इसमें भी कर सकते हैं आप, और ड्राइंग बुक आपके पास है तो उस शीट में भी कर सकते हैं। ये बहुत सारी इधर शीट्स दी हुई है, इस पर कर सकते हैं आप। प्लेन शीट्स है इस पर, और बहुत सारे जितना बना सकते हैं उतने कोशिश जितनी आप करेंगे उतनी आपकी अच्छे से बनेगी, और शेडिंग्स खूब अच्छे से देंगे। इस तरह से आपको पूरी शेडिंग्स करके इसको कंप्लीट करना है।